वेलकम टू कैरी स्पार्क। लास्ट वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के बायोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उनकी बायोग्राफी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हु मार्क्ड दैट शेक्सपियर वॉन्टेड आर्ट, तो ये बेन जॉनसन ने कहा था शेक्सपियर के बारे में। नेक्स्ट है द ग्लोब ओपन इन ऑटम 1599, विच प्ले वॉज द फर्स्ट टू बी स्टेज्ड हियर। ग्लोब थिएटर विलियम शेक्सपियर के द्वारा पार्टनरशिप में खोला गया था अपने कुछ फ्रेंडों के साथ। यह जो थिएटर खोला गया था वह साउथ बैंक ऑफ द रिवर थेम्स के किनारे पर खोला गया था और इसका नाम उन्होंने ग्लोब रखा था। यहाँ जो फर्स्ट प्ले स्टेज हुआ था वह था जूलियस सीजर। शेक्सपियर वॉज बरीड इन द चैनल ऑफ द होली एंटनी चर्च हिज डेथ। शेक्सपियर की डेथ 23 अप्रैल 1616 को हुआ था और इनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। तो इनका जो जन्म और जो मृत्यु है वह सेम मंथ और डेट की है। इसके अलावा इनकी जो मृत्यु हुई थी उसके 2 दिन बाद इनको दफनाया गया था द होली ट्रिनिटी चर्च में। नेक्स्ट, शेक्सपियर एक्टेड इन बेन जॉनसन एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। शेक्सपियर ने अपना करियर स्टार्ट किया तो एज ए एक्टर स्टार्ट किया था, उसके बाद उन्होंने राइटिंग की थी। लेकिन पहले जो वह एक्टिंग करते थे तो उन्होंने जो एक्टिंग की थी वह एवरी मैन इन हिज ह्यूमर और सेंजेंस हिज फॉल में की थी, जो कि बेन जॉनसन के द्वारा लिखे गए थे। शेक्सपियर हिस्टोरिकल प्ले स्ट्रेच ओवर अ पीरियड ऑफ 350 ईयर्स ऑफ इंग्लिश। तो जो शेक्सपियर की हिस्ट्रिकल प्ले हैं जिसमें 350 वर्षों का जो पीरियड है वह कवर करते हैं अपने हिस्ट्रिकल प्ले में। 1200 से लेकर 1550 तक का जो पीरियड है उस समय का उसको वह अपने हिस्ट्रिकल प्ले में इंक्लूड किया हुआ है उन्होंने। हु प्रेज्ड शेक्सपियर दस अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन दाउ शेक्सपियर आर्ट फ्री वी आस्क एंड आस्क दाउ स्मॉलेस्ट एंड आर्ट स्किल। ये मैथ्यू अनरोल ने कहा है कि विलियम शेक्सपियर के पास वह आर्ट थी जो हर क्वेश्चन को बहुत ही मुस्कराते हुए देते थे। विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर हैज़ नो प्रोज एट ऑल सो कॉल्ड लिरिकल ट्रेजडी, तो यह रिचार्ड सेकेंड। हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड शेक्सपियर हैव, तो शेक्सपियर के 3 बच्चे थे जिसमें उनकी 2 गर्ल्स थी और 1 बॉय था और जिसकी बॉय की 11 वर्ष की एज पर डेथ हो गई थी। टू होम डिड शेक्सपियर डेडिकेट हिज लॉन्ग नरेटिव पोइम्स वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ ल्यूरेस। तो यह जो 2 नरेटिव पोइम्स हैं शेक्सपियर की वह हेनरी वर्सली एंड अर्ल ऑफ साउथैम्पटन पे उन्होंने लिखी हैं। इन 1594 शेक्सपियर बिकेम वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ विच एक्टिंग कंपनी। 1594 में शेक्सपियर द लॉर्ड चैम्बरमैन्स के फाउंडर में से शामिल हो गए थे, उनके मेंबर बन गए थे। तो इसमें 2 तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें आपसे सन भी पूछ सकते हैं कि किस सन में वह इसके मेंबर बने थे। नेक्स्ट, शेक्सपियर पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटल वर्क बिटवीन, तो शेक्सपियर का जो स्टार्टिंग का वर्क है वह एक्सपेरिमेंटल के रूप में कहा जाता है, वह 1577 से 1593 में है और मोस्टली जो उनकी फेमस ट्रेजडी हैं वह बाद की पीरियड की है। शेक्सपियर कोलैबोरेटेड विद विच अदर ऑन द प्ले द 2 नॉवेल किंग्समैन, सहयोगी थे इनके इस प्ले में ऑन लेक्चा। विच फेलो एक्टर डिड शेक्सपियर रिमेंबर्स इन हिज विल, तो उनके जो फेलो एक्टर्स थे उसमें रिचर्ड बर्विक, जॉन हेमिंग्सवे एंड हेनरी कैंडल थे। नेक्स्ट, हाउ मैनी बर्थ्स डिड शेक्सपियर एक्चुअली इवेंट। शेक्सपियर ने अपने जो ड्रामा लिखे हैं उनमें लगभग 3000 न्यू वर्ड्स इन्वेंट किए थे और उनका सबसे लॉन्गेस्ट प्ले हेमलेट है और सबसे शॉर्टेस्ट छोटा प्ले है वह द कॉमेडी ऑफ एरर्स है। नेक्स्ट, वीनस एंड एडोनिस वाज रिटन इन स्टैंजाज ऑफ, तो यह इनका नरेटिव पोएम है वीनस एंड एडोनिस, तो इसमें इन्होंने 6 लाइन की स्टैंजा है। इज अ फोर्सफुल ऑफ बोस्टरस फन एंड लाफ्टर, सबसे कमज़ोर प्ले जो है शेक्सपियर का वह लव लेवर्स लॉस्ट है, जिसमें बहुत ही कमज़ोर प्ले कहा जाता है शेक्सपियर का। इज द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर, तो द टेम्पेस्ट है यह शेक्सपियर का सबसे लास्ट का प्ले है जिसे उनका स्वान सॉन्ग कहा जाता है।
who said that the hero of Shakespeare great classical trilogy is Romeo Wilson. नाइट ने कहा है कि शेक्सपियर के जो भी हीरो हैं वह रोम के क्लासिकल ट्रायलॉजी हैं. Who said that Shakespearean comedy is not finally satire, it is poetic. तो यह चार्टन ने कहा था. द थिएटर द ग्लोब वॉज सेट ऑन फायर ड्यूरिंग एन अर्ली परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले. तो ग्लोब थिएटर में जो आग लगी थी वह किस प्ले के टाइम लगी थी? तो वह हेनरी सेवन जो प्ले है वह स्टेज पे था और उस समय कैंडल का कोई सीन हो रहा था, उस समय कर्टिन में आग लग गई थी. द थिएटर द ग्लोब विच वॉज सेट ऑन फायर रीबिल्ट. तो ये 1614 में फिर से इसको बनाया गया था. लग गई थी वह 1613 में आग लग गई थी और इसको फिर से 1614 में इसको बनाया गया था. हाउ मैनी ऑफ शेक्सपियर हिस्ट्री प्लेस आर बेस्ड ऑन रोमन हिस्ट्री. तो उनके जो रोमन हिस्ट्री पर जो प्ले हैं वह चार हैं, जिसमें एंटोनियन क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर, टाइटस एंड्रोनस, कोरियोलंस हैं. नेक्स्ट है हु सेड दैट शेक्सपियर रिप्रेजेंट द ट्रेजिक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड द ट्रेजिक फैक्ट. तो ये ब्रैडली ने कहा था शेक्सपियर कि उनका जो प्ले हैं वह ट्रेजिक एस्पेक्ट हैं लाइफ के और ट्रेजिक फैक्ट दिखाते हैं. हु सेड शेक्सपियर माइंड इज द हॉरिजन बियॉन्ड विच एट प्रेजेंट वी डू नॉट सी. उन शेक्सपियर के जो भी प्ले हैं उसमें हॉरिजन बियॉन्ड है जो कि प्रेजेंट में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है. हु नेम शेक्सपियर हिस्ट्री प्ले एज ए मिरर ऑफ किंग. तो यह स्लेगल ने कहा है कि शेक्सपियर के जो हिस्ट्रिकल प्ले हैं वह राजाओं का आईना है. उस समय जो भी इन्होंने हेनरी है, रिचर्ड है, ये सब प्ले लिखे थे, तो उस समय जो ये हिस्ट्री में जो राजा थे उनका किस प्रकार से वर्क होता था, वह कैसे प्रजा को डील करते थे, वे सब उनकी क्रिटिसाइज उन्होंने इन हिस्ट्रीज प्ले में की हैं. अदर्स अबाउट आर क्वेश्चन दाउ आर फ्री वी आस्क एंड आस्क दाउ स्मॉलेस्ट एंड आर्टिस्ट दाउ टॉपिंग नॉलेज दीज लाइन्स सेड. तो मैथ्यू अंडरवर्ल्ड ने कहा है शेक्सपियर के बारे में. नेक्स्ट है शेक्सपियर रोमांसेस. तो ये उनके चार प्ले हैं, चार ड्रामा हैं, विंटर्स टेल, सिमलायन, पेरिकल्स और टेम्पेस्ट. इसमें दो तीन तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि ड्रामाटिक रोमांस कौन से हैं उनके फोर, या ट्रेजिक कॉमेडीज कौन सी हैं. तो ये सब ये चार प्ले हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं. इनको कई नामों से आपके पेपर में भी आ सकता है, ठीक है. ट्रेजिक कॉमेडीज आ सकते हैं, ड्रामाटिक रोमांसेज आ सकते हैं, या रोमांसेज भी आ सकते हैं. वॉट वॉज द रीजन ऑफ शेक्सपियर लिविंग स्टेटफोर्ड. शेक्सपियर ने जो स्टेटफोर्ड छोड़ा था उसका क्या रीजन था? तो ही वॉज कॉट स्टीलिंग अ डियर फ्रॉम सर थॉमस लूसी पार्क. तो उनको डियर चुराते हुए थॉमस लूसी पार्क से पकड़ा गया था. वॉट टाइम पीरियड्स डिड शेक्सपियर बिगेन इन सक्सेसफुल करियर इन लंदन एज एन एक्टर. बिटवीन 1585 और 1592. इन 1587 शेक्सपियर जॉइन रीचिंग लंदन. तो उन्होंने बारविज कंपनी ऑफ एक्टर्स को ज्वाइन किया था 1587 में. प्ले बोर्ड शेक्सपियर नेम एज ए ऑथर्स फर्स्ट टाइम. तो एज ए ऑथर सबसे कमजोर जो प्ले है वह उनका लव्स लेवर लॉस्ट है. रेफ ऑफ ल्यूरिस इज कंपोज्ड इन. तो यह सेवन लाइन्स में कंपोज्ड हुई है, जबकि वीनस एंड ऑर्डिनेस सिक्स लाइन में है, ठीक है. रेप ऑफ ल्यूरिस सेवन में है और ये दोनों ही उनकी लॉन्ग नरेटिव पोइम्स हैं. विच वन इज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर मेजर ट्रेजडी. तो शेक्सपियर की जो मेजर ट्रेजडी है उनका जो क्रम होगा वह सबसे पहले हैमलेट लिखी गई थी, उसके बाद ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ. द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन उनके तो यह 1597 और 1625 के बीच में है. विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब बाई टी एस एलियट एज एन आर्टिस्ट फिलर. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्ले को वह आर्टिस्ट फिलर कहते हैं टी एस एलियट. तो वह हैमलेट है. शेक्सपियर बोरोड द फॉर्मूला ऑफ रोमांटिक कॉमेडी फॉर्म. तो यह उन्होंने रॉबर्ट ग्रेनी जो उस समय के एक सक्सेसफुल पोइट थे, शेक्सपियर के सबसे बड़े क्रिटिसाइज में से थे, जिन्होंने शेक्सपियर को सफ़ेद बगुला कहकर बुलाया था कि यह कल का आया लड़का
और जो ना तो यूनिवर्सिटी बिठे है ना ही किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में गया है, और इसका जो वर्क है वह सबसे ही बेस्ट है। तो उनको क्रिटिसाइज भी किया है उन्होंने शेक्सपियर को, और इन्हीं के फार्मूले से उन्होंने शेक्सपियर ने अपनी जो कॉमेडी फॉर्म की है। इन विच प्लेस शेक्सपियर यूजेज द लॉन्गेस्ट वर्ड, ये वर्ड है सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है, तो ये इन्होंने लव्स लेवर लॉस्ट में यूज किया था। काफ़ी बड़ा शब्द है यहाँ से लेकर यहाँ तक। हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियर ट्रेजेडी, तो यह एसी ब्राडली ने इसको सेलिब्रेटेड किया था। हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियर ट्रेजेडी, तो शेक्सपियर ट्रेजेडी जो बुक लिखी है वह एसी ब्राडली ने लिखी थी। फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, तो ये कुछ लाइन्स हैं ये कहाँ से ली गई हैं, जैसे गुड फ्रेंड्स फॉर जीसस सेक बोर वेयर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हेयर ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर दीज स्टोन्स एंड क्रस्ट बी ही दैट मूव्स माई बोन। तो शेक्सपियर की कब्र के ऊपर ये चार फेमस लाइन्स लिखी हुई हैं, जिसमें कहा है कि जीसस जो अच्छे हैं उनको आप आशीर्वाद दें, और जो इंसान मेरी कब्र को मेरी हड्डियों को छूने की कोशिश करेगा आप उनको श्राप दें। हु कॉल्ड शेक्सपियर मलिफ्लुअस शेक्सपियर, तो यह थॉमस हेबुड ने बुलाया है मधुर, जिसको इसका जो अर्थ होता है मीनिंग वह होता है मधुर, मधुर शेक्सपियर। शेक्सपियर सोनेट आर पब्लिश टेम, तो शेक्सपियर के जो सोनेट हैं वह 1609 में पब्लिश हुए थे, और शेक्सपियर टोटल सोनेट्स लिखे हैं 154 लिखे हैं। इनके ये पर्सनल सोनेट थे, ये इनको पब्लिश नहीं कराना चाहते थे, लेकिन इनके कुछ फ्रेंडों ने इनको पब्लिश करा दिया। द लास्ट टू सोनेट्स 153 एंड 154 आर अबाउट, तो ये क्यूपिड देवता है तो उनके ऊपर उन्होंने दो सोनेट्स लिखे हैं, ठीक है। 153 एंड 154, बाकी ये जो सोनेट्स हैं वह डार्क लेडी और WH के ऊपर लिखे हैं। इन डायर एज अ पेपिस्ट, तो ये रिचर्ड डेविस जो क्लेरीमैन थे कहा है शेक्सपियर के बारे में। When did the second folio of Shakespeare appear? तो यह 1632 में पब्लिश हुआ था। Shakespeare's contemporary voice, तो बेन जॉनसन उस समय उनके कंटेम्प्रेरीज के अलावा रॉबर्ट ग्रेनी और काफ़ी जो पोइट हैं वह उस समय के उनके समकालीन हैं। It is said that Henry VIII is a work of Fletcher and Shakespeare का जो प्ले है Henry VIII, यह Fletcher के साथ उन्होंने मिलकर लिखा था। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।